हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस में। पिछले वीडियो में आपको बताए थे विद्युत धारा पाठ संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूत्र कंसेप्ट समझाए थे, कैसे उससे क्या होगा, किसी भी राशि को जैसे प्रतिरोध गुणा करने पर लंबाई क्या होगा, इस टाइप के सभी कंसेप्ट उसमें बताए थे। तो आज हम लाए उससे संबंधित सभी आंकिकी प्रश्न जो कि पूछे गए परीक्षा पर सभी प्रश्न है। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम बताते हैं, जब भी हम आंकड़ी प्रश्न बताएंगे सबसे पहला काम होगा आपका भौतिक जो राशि दिया होगा उसको पहचानना। तो पिछले वीडियो में आपको बताए थे वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक है, और विभवांतर का संकेत बताए थे बी। तो मतलब आपको क्या प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ, आपको बी दिया हुआ वोल्ट कितना आपका 12 वोल्ट, विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम, कूलम देखेंगे बताए थे याद है, यहाँ पर देखते हैं मात्रक है, यहाँ पर राशि नहीं है, ये कूलम है यानी मात्रक है, मात्रक है समझ है आवेश है, बताए थे सी होता धारिता संकेत, लेकिन मात्रक में सी होता क्या कूलम, तो यहाँ पर देख ले क्या 2 कूलम, और याद होगा बताए थे कूलम क्या होता आपका, आपका आवेश होता कूलम, और ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य पूछ रहा क्वेश्चन यानी डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करें, राशि को पहचानना होगा, उसके बाद देखते ऐसा ही मात्रक में है ही। अब दूसरा हम देखते हैं सूत्र का प्रयोग, तो सूत्र बताए थे जो इन तीनों का संबंधित सूत्र हो, तो याद होगा इन तीनों से संबंधित था डब्ल्यू बराबर वी क्यू, ये विभवांतर की परिभाषा से आता है कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर, वी बराबर आपका डब्ल्यू बट्टा क्यू, तो इसके साथ हम कह सकते हैं डब्ल्यू बराबर वी क्यू। तो हम देखते हैं यहाँ पर डब्ल्यू बराबर आपका वी क्यू, वी कितना है आपका 12 वोल्ट गुने क्यू कितना आपका 2 कूलम, तो हम कह सकते हैं 12 दुनी 24 वोल्ट कूलम, और जानते हैं कार्ज का ऐसा ही मात्रक होता जूल, हम कह सकते हैं 24 जूल। अब देखते हैं जूल क्या होता है, वोल्ट कूलम के समतुल्य होता है, अभी हम बताएंगे इसके बाद आपको साथ ही साथ वीडियो में बताएंगे जब वोल्ट कूलम किसके समतुल्य है ये सब भी निकालना आपको बताएंगे। तो देख लिया क्या है इसका आंसर क्या होगा आपका 24 जूल। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित आवेश का मान, तो यहाँ पर देखते हैं दिया एम्पियर, तो बता होगा एम्पियर क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो लिख लेते हैं प्रश्न आंसर क्या दिया हुआ आई 0.5 एम्पियर, और विद्युत धारा 10 मिनट, मिनट जानते हैं समय होता आपका टी बराबर 10 मिनट, और बताते हैं टाइम का जो ऐसा ही मात्रक होता है सेकेंड, तो क्या हो रहा है भौतिक राशि जब अपने ऐसा ही मात्रक में नहीं होगा हमको उसको ऐसा ही मात्रक में बदलना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60 से गुना करेंगे, मतलब हो जाएगा आपका 10 गुने 60 सेकंड, और आपका पूछ रहा आवेश, आवेश अंतिम संकेत होता है क्यू, क्यू बराबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका देखते हैं ऐसा सूत्र होना चाहिए जिसमें तीनों आपका आ जाए, तो हम देखते हैं क्यू बराबर आई टी, ये बताए थे धारा की परिभाषा से क्या होता है आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर है ये, इसे विद्युत धारा कहते हैं, यहां से निकल जाएगा आपका Q बराबर आई टी। तो हम देख लेते हैं I हो गया आपका 0.5 एम्पियर गुने T आपका हो गया 10 गुने 60 सेकेंड, दशमलव बढ़ाएंगे तो बट्टा 10 होगा, और ये 10 10 आपका कट जाएगा 6 5 30 और 1 0 300 एम्पियर सेकेंड, मतलब आपका होगा 300 कूलम, एम्पियर सेकेंड किसके संतुल्य होता है कूलम के संतुल्य होता है, ऐसा फिर बताएंगे वीडियो में निकालना, तो यहाँ पर होगा आपका 300 कूलम। नेक्स्ट देखते हैं हम, किसी विद्युत बल्ब का पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, तंतु का प्रतिरोध और तंतु से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें, तो देखते वाट बताया गया था, वाट होता आपका शक्ति का मात्र, यहां से हम कह सकते हैं दिया हुआ आपका है P बराबर 100 वाट,
और यहाँ पर बोल्ट दिया हुआ मतलब क्या आपका विभवांतर दिया हुआ, तो V बराबर 220 वोल्ट। तंतु का प्रतिरोध और तंतु से प्रवाहित धारा अर्थात आपका एक क्वेश्चन है R और दूसरा क्वेश्चन है I। तो पहला निकाल लेते हैं P बराबर V I, एक सूत्र ये होता है तो हम यहां देख लेते हैं I बराबर क्या हो जाएगा P बटे V, तो 100 बटे 220 00 5 और 11 क्या हो गया 5 यहाँ वाट बटा यहाँ वोल्ट कह सकते हैं हो गया 5 बटा 11 एम्पियर, यानी तंतु से प्रवाहित जो धारा होगी 5 बटा 11 एम्पियर। और हम जब प्रतिरोध निकालेंगे तो याद होगा आपका सूत्र या यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं ओम के नियम से भी बराबर आई आर या आप पी बराबर भी स्क्वायर बटे आर, वहां से भी क्या होगा प्रतिरोध आप निकाल सकते हैं, तो पी बराबर भी स्क्वायर बटे आर या आर बराबर भी स्क्वायर बटे पी। तो हम देखेंगे आर कितना हो जाएगा भी स्क्वायर यानी 220 गुने 220 बटा 100 22 का वर्ग क्या होगा क्या होता है 484 ओम। तो क्या हो गया आपका इसका आंसर, तंतु से प्रवाहित धारा हो गया 5 बटे 11 एम्पियर और तंतु का प्रतिरोध हो गया 484 ओम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध है। R1 अर्थात दिया हुआ आपका है R1 2 ओम R2 3 ओम और R3 आपका 6 ओम ये दिया हुआ। अब देखते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें और दूसरा क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में, तो समांतर क्रम में आपका बताया गया था 1 बटा आर पी बराबर 1 बटा आर वन तो कितना 2 प्लस 1 बटा आर टू कितना 3 प्लस 1 बटा 6 आर थ्री होता। तो यहां देखेंगे क्या होगा आपका 6 3 2 का एलसीएम 6 2 3 6 3 2 6 1 2 2 प्लस 6 का 6 छह बट्टा छह। तो हम कहेंगे यहाँ देखते हैं 1 बट्टा आर पी निकला है तो आर पी यहाँ पलट देंगे तो 1 को पलटने पर भी क्या होगा 1 ही होगा इसलिए यहाँ पर 1 होगा, लेकिन जब जाओगे देखेंगे 2 आर हो यहाँ पर जाएगा देखेंगे 1 बट्टा आर पी निकला तो क्या करेंगे हम आर पी निकालेंगे इधर वाला पलट देंगे नीचे वाला जो ऊपर होगा ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ पर देखिए 1 हो। अब दूसरा इसमें आपका क्वेश्चन था श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में याद होगा आर एस बराबर होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो मतलब हो जाएगा 6 ओम प्लस या 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम 6 3 9 2 11 ओम। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो निम्न प्रतिरोध प्राप्त होता है, कुल प्रतिरोध क्या था कम प्राप्त होता है, लेकिन जब हम सीरीज में जोड़ेंगे यानी श्रेणी क्रम में क्या होगा कुल प्रतिरोध क्या होगा अधिक प्राप्त होगा यानी कि 11 ओम। याद रखेंगे इस महत्वपूर्ण बिंदु को क्या, जब हम समांतर क्रम प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो निम्न यानी कम समांतर अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा और जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम देखते हैं 5 किलो वाट घंटा को जूल में बदले, तो याद होगा 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10^6 जूल, ये डाटा याद होना चाहिए। 1 यूनिट 1 किलो वाट घंटा कहते हैं आपका 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होता है, ये आपको बताया हुआ पिछले वीडियो में बताया कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा 5 किलोवाट मतलब क्या करेंगे 5 किलोवाट घंटा बराबर इसमें हम 5 से गुना कर देंगे 5 × 3.6 × 10^6 36 × 180 हो जाएगा आपका × 10^6 जूल, 0.1 स्थान पर देखेंगे क्या 18.0 या आप कह सकते हैं 18 × 10^6 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करें। तो हम देखते हैं आपका दिया हुआ R 4 ओम
प्रति सेकेंड मतलब टाइम आपका एक सेकेंड और 100 जूल मतलब उत्पन्न ऊष्मा आपका है 100 जूल और प्रतिरोध सिरों पर विभवांतर जी बराबर आपका क्वेश्चन। अब याद होगा सूत्र इन चारों से संबंधित सूत्र, तो याद होगा कार्ज का या उत्पन्न आवेश का बताए तो एक ही लगाएंगे बी आई टी, बी आई टी या बी को बदल सकते हैं आई को बी बटा आर, तो बी स्क्वायर बटा आर टी। इस सूत्र के प्रयोग से भी हम क्या होगा विभवांतर निकाल सकते हैं, तो देख लेते इसी सूत्र का डायरेक्ट प्रयोग करेंगे या हम क्या करेंगे यहां से हम क्या करेंगे आई निकाल लेंगे, आई निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे यहां से नहीं निकलेगा आई स्क्वायर आर टी, दूसरा सूत्र ये भी होता है आई स्क्वायर आर टी, तो वहां से आई निकाल के भी निकाल सकते हैं हम, तो लेकिन हम डायरेक्ट सूत्र प्रयोग करेंगे जिससे आपका डायरेक्ट निकल जाएगा वी स्क्वायर बटे आर टी। तब देखते हैं 100 बराबर वी आपका नहीं दिया तो वी स्क्वायर गुने टाइम आपका एक है बटा आर आपका चार, तो यहां देखेंगे वी स्क्वायर बराबर चार गुने 100। अब हम देखते हैं क्या होगा यहां पर आपका हो जाएगा दो गुने इसका हो जाएगा 10, वर्गमूल जब निकालेंगे बी बराबर देखते हैं चार का वर्गमूल दो हो जाएगा और 100 का 10, तो हम कह सकते हैं 20 वोल्ट, क्या होगा इसका आंसर 20 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा, तो देखते हैं वाट मतलब शक्ति दिया हुआ आपका 50 वाट, वाट होता आपका शक्ति का मात्रक अर्थात क्या दिया हुआ आपका वाट कितना शक्ति कितना 50 वाट, कूलम मतलब क्या आपको आवेश दिया हुआ क्यू 96,000 कूलम एक घंटे में टाइम दिया हुआ आपका एक आवर, उत्पन्न ऊष्मा एच बराबर क्वेश्चन, तो हम बताते डब्ल्यू और एच दोनों एक ही सूत्र लगाएंगे जहां डब्ल्यू का प्रयोग होता वहीं एच का भी, तो हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका शक्ति गुने समय, तो यहां को 96,000 कूलम से कोई मतलब नहीं होगा, तो शक्ति आपका हो गया 50 गुने समय कितना हो जाएगा 7 × 60 सेकेंड, तो यहां सब कह सकते हैं 36×5=180 इतना आपका जूल होगा उत्पन्न ऊष्मा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध, तो ये स्पेशल हम कंसेप्ट आपको बताए थे पिछले वीडियो में, जब हम तार की लंबाई दुगुनी कर देंगे उसी तार की तो क्या होगा आपका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुनी और जब लंबाई आधा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1/4 कंसेप्ट आपको बताए थे फिर हम बता रहे हैं देखेंगे, तो आर बराबर हम जानते हैं क्या होता है रो एल बट्टे ए, तो यहाँ पर रोज जानते हैं किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यह सिर्फ सामग्री पर निर्भर करता है मतलब किस धातु की बना होता इस पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जब हम प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका तार की सामग्री उस पर भी निर्भर करेगा, लंबाई पर यानी चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा और क्षेत्रफल पर यानी अनुप्रस्थ तार की क्षेत्रफल या मोटाई हम कह सकते हैं, तो क्या होता है लंबाई बढ़ने पर क्या होगा प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होगा प्रतिरोध घट जाएगा क्योंकि प्रतिस्पर्धी है, तो हम देखते हैं आर डैश निकालते हैं आर डैश, अब यहां पर क्या कहा गया लंबाई दुगुनी कर देते हैं, तो हम जानते हैं जब भी तार की लंबाई को दुगुना करेंगे तार पतला हो जाएगा मतलब क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, अगर तिगुनी करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया एल आपका हो गया एल बटे सॉरी दुगुनी था क्या होगा लंबाई आपका दुगुनी 2L बटे आपका हो जाएगा जगह ही क्या होगा लंबाई तार की दुगुनी हो गई तो मतलब क्षेत्रफल उसका आधा हो गया ए बटे 2, तो हम देखते हैं क्या हो गया रो एल बटे ए और गुने 4
ये दो प्लेट के ऊपर चल जाएगा, दो दुनी चार। तो हम देखें जो पुराना प्रतिरोध आर दिया हुआ था, ये आपका दिया हुआ था 10 ओम, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका 10 × 40 ओम। याद रखेंगे कंसेप्ट तो बना है या राइट है, याद रखेंगे जब लंबाई दुगुनी करेंगे तो प्रतिरोध समांतर, जब कहा जाए कि लंबाई दुगुनी करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो क्या कहा लंबाई दुगुनी करने पर प्रतिरोध भी दुगुनी हो जाएगा समानुपाती। लेकिन जब किसी तार की बात करेंगे, तार की लंबाई को अगर खींच के दुगुनी कर देते हैं, इस तरह से दिया रहे प्रतिरोध, नया प्रतिरोध पूछे तार की, तो समझ जाएंगे क्या होगा आपका उसी तार की लंबाई को खींच के कह रहा है, तो जब कहने खींचेंगे तो क्या होगा क्षेत्रफल आपका आधा हो जाएगा। हम नेक्स्ट करते हैं, किसी चालक से 5 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध, तो देखते हैं वोल्ट मतलब विभवांतर आपका दिया हुआ 5 वोल्ट और यह एम्पियर, एम्पियर हो गया मतलब आपका धारा दिया हुआ I बराबर 2 एम्पियर और यहां पर पूछा चालक का प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन। तो एक ऐसा सूत्र लेंगे जिसमें तीनों राशियां हो, तो आपको जानते हैं ओम के नियम से क्या था V बराबर I R या R बराबर आपका क्या हो जाएगा ये I गुना इधर आके भाग हो जाएगा अर्थात V बटे I, तो V आपका हो गया 5 वोल्ट बटा हो गया 2 एम्पियर, क्या हो गया 2.5 वोल्ट प्रति एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता ओम, तो मतलब क्या हो गया 2.5 ओम जो कि वोल्ट प्रति एम्पियर पे संतुलित होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 400 वाट का रेफ्रिजरेटर 8 आवर प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है तो 3 रुपये किलोवाट आवर की दर से 30 दिन का ऊर्जा शुल्क। तो यहां पर देखते हैं शक्ति आपको दिया हुआ 400 वाट और समय दिया आपका, तो देखिए 8 घंटे समय की दर दिया हुआ एक तरह से 8 घंटे प्रतिदिन, तो 30 दिन में कुल समय आपका क्या हो जाएगा 30, तो 30 × 8 मतलब 240 घंटे, एक दिन में जो 8 घंटा चलाया तो 30 दिन में उसका कुल समय कितना होगा 240 घंटा। तो 3 रुपए किलोवाट की दर से, तो पहले हम उपभुक्त ऊर्जा बताए थे, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट आवर, तो यहां पर हम क्या करेंगे जब भी उपभुक्त ऊर्जा ज्ञात करना हो इस तरह से तो हम क्या करेंगे उसको घंटा में ही रहने देंगे टाइम को, यानी सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है। उपभुक्त ऊर्जा निकाल लेते हैं, शक्ति गुने समय, शक्ति आपका 400 वाट गुने समय आपका 240 आवर, तो 24×96,000 वाट आवर। तो यहां पर देखिए किलो में बदलना है किलो वाट आवर, यहां आपका वाट आवर है, तो हम क्या करें किलो में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं भाग कर देते हैं, क्योंकि किलो का अर्थ होता है 1000, मतलब आपका क्या होगा 96 यूनिट, किलो वाट आवर को सामान्य हम कहते हैं यूनिट, तो 96 यूनिट हो गया आपका, और चूंकि यहां दिया था 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से किलो वाट आवर, तो क्या हो गया आपका कुल ऊर्जा आपका मूल हो जाएगा ऊर्जा शुल्क, चूंकि आपका दिया हुआ 1 यूनिट का 3 रुपए और खर्च हम किया महीना कितना यूनिट 96 यूनिट, तो 96×3 18 और 27 1 28 यानी 288 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। तो आपको ये परिपथ विद्युत परिपथ पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझाए थे कि जब हम समांतर क्रम में लगाते हैं तो क्या होगा सभी जगह वोल्टेज समान जाती है, वो सभी देख लेंगे वीडियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा, चित्र में दिया हुआ वोल्टेज देख लेते हैं, वी बराबर आपका दिया हुआ आपका बैटरी जो वोल्ट है आपका 6 वोल्ट। अब हम प्रतिरोध देखते हैं, यहां पर भी दिखता है बैटरी का भी प्रतिरोध है 1 ओम और यहां पर देखते हैं आपका 5 ओम, तो दोनों प्रतिरोध देखते हैं सीरीज में जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखते हैं इसका प्लस अगर मानेंगे तो इसका एक सिरा अलग अलग बिंदु से नहीं है, तो जब हम सीरीज समांतर क्रम में पढ़ाए थे तो
बताए थे, ऐसा बताए कि दोनों का अलग अलग एक ही, जैसे ये दोनों सिरा एक बिंदु से जुड़ा हुआ, ये दोनों सिरा एक अलग बिंदु से, ऐसा इसमें नहीं है। मतलब इसका देखते दूसरा सिरा इसके दूसरे से पहले सिरे से और इसका पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ, तो मतलब ये सीरीज में है। समांतर पढ़े जैसे इस तरह से पढ़ते कि दोनों का एक सिरा क्या होगा, एक अलग बिंदु से जुड़ा होगा और दोनों का दूसरा सिरा एक अलग बिंदु से, तब होगा वो आपका समांतर क्रम। तो यहाँ पर देखते हैं बैटरी समांतर क्या होता है, आपका सीरीज में ही रहता है। तो क्या होगा आर आर वन हम देख लेते, ये आपका आर वन है 5 ओम और ये आर टू है आपका 1 ओम। तो कुल आर क्या हो जाएगा आपका, कुल आर होगा आपका संतुल धारिता प्रतिरोध, आपका दोनों सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट क्या करते जोड़ देते हैं, तो 5 1 6 ओम। तो हम देख लेते हैं क्या धारा आई बराबर हम जानते हैं बी बटे आर, तो आपका होगा 6/6। तो क्या होगा 1 वोल्ट प्रति ओम और दंत धारा का ऐसा है मात्रा क्या होता है एम्पियर, एम्पियर किसके समतुल्य होता है वोल्ट प्रति ओम। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर प्रवाहित धारा ये तो हम निकाले जो भी आपका निकला 1 एम्पियर ये पूरे परिपथ में है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर तो जानते बताए थे श्रेणी में क्या होता है आपका धारा सभी जगह समान होती है, मतलब यहाँ एम्पियर है तो क्या होगा यहाँ पर भी उतना ही एम्पियर होगा, मतलब एक एम्पियर पूरे पथ में ही प्रवाहित होगा लेकिन वोल्टेज दोनों जगह अलग अलग होगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपका 6/6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे अलग होगा क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है और श्रेणी क्रम में धारा बराबर होता है और क्या हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग होगा। अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न किसके समतुल्य है, जो निम्नलिखित मात्रक देखते हैं किसके समतुल्य है ये कैसे निकालेंगे, तो वो अब देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो जूल हम जानते हैं मात्रक किसका होता है आपका होता है, ये हम देखते हैं अभी पहले कह रहे हैं जूल होता है कार्ज का मात्रक, प्रति कूलम प्रति माइनस है तो मतलब प्रति है, कूलम कूलम जानते हैं आवेश क्यू का मात्रक होता है, और हम सूत्र को याद करेंगे तो बताते हैं डब्ल्यू बराबर होता है आपका वी क्यू। तो यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका W/Q बराबर क्या हो जाएगा B, तो मतलब ये कौन सी आपका राशि है विभवांतर, तो यहां से हम कह सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से ये क्या है वोल्ट के समतुल्य, जूल प्रति कूलम क्या वोल्ट के समतुल्य। सबसे पहले हम सूत्र में उसका प्रयोग करेंगे, सूत्र के माध्यम से हम जानेंगे किसके समतुल्य। अब दूसरा देखते हैं वाट सेकेंड, वाट यहां देखते हैं मात्रक ये जो है ये कार्ज नहीं है, जब ये होता है राशि तब होता है कार्ज, क्योंकि ये मात्रक दिया हुआ तो ये आपका वाट, वाट मतलब आपका शक्ति गुण है, सेकेंड है सेकेंड मतलब होगा आपका टाइम, तो मतलब याद होगा शक्ति गुने समय, तो कार्ज बराबर शक्ति गुने समय, याद होगा कार्ज बराबर क्या होता है शक्ति गुने समय, ये आपका सूत्र हुआ। तो मतलब क्या है ये कार्ज के समतुल्य, ये जो है कार्ज के समतुल्य, मतलब क्या हो जाएगा आपका जूल के समतुल्य, शक्ति गुने समय था ये अर्थात क्या होगा आपका जूल के समतुल्य। नेक्स्ट हम देखते हैं कूलम, कूलम जानते हैं मतलब होगा आपका क्यू, प्रति माइनस दिया तो मतलब प्रति और सेकेंड मतलब आपका टाइम, तो याद होगा आपका सूत्र क्यू बराबर आई टी या आई बराबर क्यू बटे टी, तो यहां से देख लेते ये बराबर क्या होगा आपका आई, मतलब ये राशि किस राशि का मात्रक है विद्युत धारा का, और विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है एम्पियर, मतलब क्या है एम्पियर के समतुल्य। अब नेक्स्ट लिखते हैं आई, देख लेते हैं एम्पियर है एम्पियर मतलब धारा का मात्रक है आई और ओम है मतलब प्रतिरोध का मात्रक है आर, तो हम जानते हैं वी बराबर आई आर, ओम के नियम से हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है आई आर होता है, तो ये आपका किसके समतुल्य हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वोल्ट विभवांतर, ये राशि हुआ आपका विभवांतर और किसके समतुल्य होगा वोल्ट के समतुल्य। अब हम देखते हैं जूल प्रति कूलम, जूल मतलब होगा कार्ज, अब प्रति मतलब होगा बट्टा में आपका माइनस है तो सेकेंड मतलब होगा टाइम, तो कार्ज बट्टे समय याद होगा कार्ज बराबर क्या होता है आपका शक्ति गुने समय, शक्ति गुने समय, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा कार्ज बट्टे समय,
तो ये आपका क्या आपका शक्ति का, शक्ति का ऐसा मतलब क्या होगा वाट, अर्थात आपका क्या हो गया जूल प्रति सेकेंड वाट के संतुल है। तो इस तरह से जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़े थे विद्युत धारा से संबंधित आंकिकी प्रश्न, पिछले वीडियो में आपको संपूर्ण सूत्र का प्रयोग बताए थे, सूत्र कैसे याद करने का सॉरी ट्रिक, एक सूत्र से अनेक सूत्र कैसे निकालेंगे और पूर्ण कंसेप्ट के साथ बताए थे, इसलिए वो वीडियो जरूर पूरा पूरा देखे, उसको भगा के यानी क्या बीच बीच छोड़ के नहीं देखे, जिससे आपका क्या होगा पूर्ण कंसेप्ट जब समझ में आ जाएगा क्या होगा आपका प्रश्न हल करने में आसानी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।